अल्लाह ताला के लिए और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इस मुल्क के लिए और अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरी और खुशहाली के लिए। आप भी अपना हिस्सा डालें, चाहे वो फ़कत किसी के दर्द को महसूस करते हुए दो आंसू ही क्यों ना हों, क्या पता वही आपकी बख्शिश का सबब बन जाए। दोस्तों, मैं हूँ अजमल हुसैन बलोच और आप देख रहे हैं बलोच अजमल 408 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साथ रहिएगा और साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया जो जो दोस्त आते हैं वीडियो पे और अपना कीमती टाइम निकालते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई अच्छी बात और कीमती बातें आपके साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज की बात यह है कि खुद को कीमती बनाएं। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं, मगर उसके लिए आपको अपनी ज़ात को बहुत कीमती बनाना होगा। याद रखिए, कीमती ज़ात का मतलब क्या है। अगर किसी महफ़ल में आपकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी से फ़र्क नहीं पड़ता तो ऐसी महफ़ल में क्या जाना, और अगर इस दुनिया पर आपके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और जब आप जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा आपका दुनिया पर आना आपके लिए और बेकार होगा। लिहाजा आपका दुनिया पर आना आपके लिए फजूल और बेकार होगा। आप दुनिया के लिए कीमती तब बनते हैं जब बकौल शायर, हमारे दम से जीनत अंजमन की है, हमारे दम से जीनत अंजमन की है, हमारी याद होगी हम ना होंगे। यानी कि इस शेर का जो मफहूम है, इस पर जब आप पूरे उतरें तब आप कीमती होते हैं। याद रखिए, आपके लिए सबसे अहम आपकी अपनी ज़ात है। इसके लिए बेहतरीन सरमायाकारी अपनी ज़ात पर कीजिए। इस सरमायाकारी की इब्तदा उन सवालात से कीजिए कि आपको ये ज़िंदगी फ़कत एक बार मिली है, ये मौका दोबारा नहीं मिलता। इस ज़िंदगी के बदले आप क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं, इस किस्म के सवालात से इसका स्टार्ट करें। जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो इस दुनिया को क्या कुछ देकर जाएंगे, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो इस दुनिया को क्या कुछ देकर जाएंगे, सोचने वाली बात है। इन दोनों सवालात के जवाब लिख लेने के बाद खूब गौर व खोज करें तो आपको अपना मकसद हयात पता चल जाएगा। फिर उसके ताबे मेहनत और जदोजहद शुरू कीजिए। बेहतरीन किताबें खरीदिए, ये आपकी ज़ात को निखार देंगी। किताबों का मुताला इंसान को अजमत की दहलीज पर पहुंचा देता है। वो किताबें पढ़ें जो आपके इखलाक को बुलंद करें और आपकी हिम्मत बढ़ाएं। हमारे मुल्क में किताबें पढ़ने का रवाज आम नहीं रहा, पहले होता था, आजकल कम होता जा रहा है। हमारे यहाँ नौजवान फारिग वक्त में टीवी और इंटरनेट पर वक्त ज़ाया करते हैं। हालांकि टीवी पर या इंटरनेट पर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, सीखने वाली सलाहियत कोई नहीं है, बस टाइम ज़ाया करने वाली सलाहियत बहुत ज़्यादा है। तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, वहाँ पे तरक्की और खुशहाली की बड़ी वजह ही किताब से मोहब्बत है। वहाँ फारिग वक्त में लोग हाथ में किताब पकड़े नज़र आते हैं। आज भी दुनिया में ऐसे तरक्की याफ्ता ख़ानदान मौजूद हैं जो लड़के का रिश्ता देखने जाते हैं, रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो उसकी लाइब्रेरी को लाजमन देखते हैं। बड़ी गौर वाली बात है, अगर रिश्ता देखने आते हैं तो वो देखते हैं कि इसकी लाइब्रेरी में क्या कुछ रखा है, उसकी लाइब्रेरी ही उसकी पहचान होती है। बहरहाल, किताब आपकी ज़ात के लिए बेहतरीन सरमायाकारी है। तो कहते हैं कि किसी साहिब बसीरत की मजलिस में बैठना हज़ार साल की इबादत से बेहतर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी थी, वीडियो देखने का शुक्रिया। शॉर्टकट बनाई है, छोटी कोशिश की, चंद बातें आपसे शेयर की हैं। तो ये अगर अच्छी लगें तो इसको आप सदका जारिया समझ के अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सोशल मीडिया पे इसको शेयर कर दिया करें, ताकि आप के अलावा भी किसी न किसी का कोई ना कोई भला हो जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।